दोस्तों स्पीडो मैच कवर करने वाले जो कि मेंस अफ्रीकन T20 का जो कि मैच खेला जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये जो मैच है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा बड़ा सीरीज नहीं है, लेकिन आपको याद होगा रिसेंटली वुमेंस का खेला गया था, ये मेंस का है, वीजे मैच है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अभी से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ऐसे वीडियो हर किसी को नहीं मिलता है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। सबसे पहला काम जो अभी मैं इस वजह वीडियो प्रीव्यू आपको दे रहा हूँ, फिर इसका दूंगा, फिर इसका भी दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, फायदा है आपको, सबसे पहले फाइनल टीम और विनिंग टीम आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो टेलीग्राम जो से ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, लिंक 100% काम करता है, बस फेक में ज्वाइन करना क्योंकि सर्च करने से हजारों फेक चैनल मेरे नाम से बने हुए जो कि मेरे बिल्कुल भी नहीं, मेरा एक ही टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। सर्च करना हो तो सर्च भी कर सकते हो, सिंपली टेलीग्राम के सर्च बार जाना, सर्च करना एफिलिएट टीम, बिना स्पेस देख सर्च करोगे एफिलिएट टीम तो चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर भी टाइप 39,400 से ज़्यादा लोग हैं, जहाँ आप लोग डेली विन करते हैं, स्केड्यूल वगैरह बता देते हैं कौन से मैचेस हम कवर कर रहे हैं और उसकी फाइनल टीम भी आपको मिल जाती है। कल भी हमने कवर किए, एक तरफा भी किए, तो टेली हम चाहे जरूर से ज्वाइन करना, बस फेक मत ज्वाइन करना, सर्च करने से बहुत सारे फेक आएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही ज्वाइन करना। एंड अब बात करते हैं, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर अप करना चाहूँगा, कोई फालतू का टाइम पास वगैरह बिल्कुल नहीं। ओपन करते लास्ट बचे शो कार्ड, कोई स्टार्ट्स देख के टीम हम लोग क्रिएट नहीं करते, हम लोग लॉस के लिए बात करते हैं क्योंकि हर एक प्लेयर को हम लोग अच्छे से जानते हैं, लास्ट बचे शो कार्ड सबसे बेस्ट होता है, और स्टार्ट से टीम क्रिएट करते हो ना तो मैं पर्स बता रहा हूँ टाइम पास हो सकता है, लास्ट में स्कोर कार्ड से सब कुछ क्लियर हो जाता है और सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बहुत कम से बचा इस पर लगातार मैचेस ही है भाई। ये फिफ्थ मैच होना चाहिए, कल चार मैचेस खेले गए थे, ज़्यादा बार सीरीज नहीं है, 23 मार्च को बस एंडिंग है इसका। आज 18 तारीख यानी कि अभी भी 5 दिन है, तो ये जो है फिफ्थ मैच है तांजानिया जो कि लास्ट मैच को हमने कवर भी किया था, कल नाइजीरिया के साथ खेल के, जिम्बाब्वे नाबीबिया के साथ खेल के ना ये रहा। तो फर्स्ट सेकंड मैच चेक करना है, सबसे पहले मैं चेक करना चाहूँगा नाबीबिया के साथ ही जिम्बाब्वे को सबसे पहले चेक कर लेते हैं, ये सबसे पहले तांजानिया चेक करते हैं उसके बाद जिम्बाब्वे, क्योंकि तांजानिया के रिसेंट मैचेस मैंने काफ़ी कवर किए। इवान सलीमानी ओपन करें, जुमाने मुस्कुराटे के साथ ओपन करें, इवान सलीमानी रिसेंट फॉर्म तो उतना अच्छा नहीं था, बट लास्ट ठीक ठाक ही नहीं खेल रही थी टीम से। संजय कुमार ठाकुर, मैंने रिसेंटली जो सीरीज चल रहा था, जो कोई सीरीज था ना जिसमें खेल रहे थे, तांजानिया खेल रही थी, रवांडा खेल रहे, नाइजीरिया सब खेल रहे थे, तो उसमें भी टीम से जबरदस्त फॉर्म में थे, हालांकि ये नहीं कभी मैंने सोचा था कि वरना बैटिंग ही बंदा करने आएगा, हर टीम से बॉलर लेकिन हिटिंग करना आता है, मैंने आपको बोल रखा हुई चीज़ पहले भी, सलमान जुम्बो जो कि फोना बैटिंग करे, उसके अलावा ओमर की बात करें तो अच्छी विकेट कीपिंग करता है, हिटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, लेकिन लास्ट वक्त 3 रन स्कोर किया, तो ठीक है इनका बैटिंग वगैरह कोई मुझे कमजोर नहीं लगा, इवान सलीमानी अच्छा प्लेयर है, संजय कुमार ठाकुर है तो बॉलर लेकिन हिटिंग करना जानता है, सलमान जुम्बो एक अच्छी हिटिंग कर लेता है, बॉलिंग शानदार करता है, तो उतना कुछ खास तो नहीं, बट ठीक है बैटिंग ऑर्डर काम चलने लगी। बॉलिंग की बात करें तो न्यू से बॉल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सलमान जुम्बो ने जो कि कैप्टनसी करे, 10 तक ऑलमोस्ट बॉलिंग किए थे, 5 विकेट चटकाए, उसके अलावा मोहम्मद यूनुस जो कि टीम से 2 ओवर बॉलिंग किए, उसके अलावा आइलिक किमोटो जो कि रिसेंटली काफी अच्छे बॉलिंग कर रहा था लेकिन 2 ही ओवर फिर भी दिया गया। संजय कुमार ठाकुर को मुझे देखना था वरना बैटिंग, हालांकि जनरली वरना बैटिंग नहीं करते, इसका ध्यान रखिएगा, बट फिर भी 1 विकेट चटकाए और 4 ओवर बॉलिंग भी की, वरना बैटिंग भी की, ठीक है भाई, ये सब चीज़ें क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड उसके अलावा इनका देखो कि ठीक है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप जिम्बाब्वे भी आते टाइम पास बिल्कुल नहीं करना, मेरे को बहुत शॉर्ट वीडियो शूट करना है, एकदम बड़ा वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। जिम्बाब्वे की टीम से देखोगे तो टीम से रोडनी टीम से ओपन करी, टीम से लास्ट में रनआउट हो गए थे रोडनी टीम से 31 से मुरी मनिक जो कि लास्ट में टीम से सिर्फ 1 रन स्कोर किए थे, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा चल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, बट लास्ट में फ्लॉप हुए थे, बट रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा था। जोनाथन कैंपेल मैंने कवर किया था, वर्नर बैटिंग है टीम की तरफ से, जिसे हमने कैप्टन किया, मैंने बोला था फोना बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा, बैरन बेनेटी टीम से 65 रन स्कोर की टीम से, बैरन बेनेटी टीम से अच्छा है, बट इस बार कैलिप कैप्टनसी करें ना, जो बैरन ने कैप्टनसी नहीं करे सिर्फ और सिर्फ कैलिप कैप्टनसी कर रहे हैं। उसके अलावा टॉनी जो कि टीम से फिना बैटिंग कर रहा है, उसके अलावा देखोगे तो सिंगा वगैरह है, बट ठीक है बैटिंग ऑर्डर से नहीं, कैलिब थोड़ा नीचे बैटिंग यूज कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा हिटिंग अच्छा करता है, विकेट कीपिंग भी अच्छा करता है, लेकिन हिटिंग अच्छा कर लेता है कैलिब, जो उत्पन्न पर अकेले इनिंग को संभाल लेता है, तो ठीक है भाई। जिम्बाब्वे का मुझे बैटिंग ऑर्डर बहुत सही लगा, रोडनी ओपन की टीम से 31 के साथ, जोनाथन कैंपेल वन्ना बैटिंग किए, फोना पे बैरन, फिर ना पे टॉनी, एक बॉलिंग से माते कि बैरन ने कितने ओवर बॉलिंग किए, तो बैरन ने बॉलिंग ही नहीं किया, लो जी न्यू बॉल से स्टार्ट करते हैं, बैलेंस की टीम से 4 ओवर बॉलिंग के विकेट लिस्ट गए, उसके अलावा देखोगे चटरा जो कि 3 ओवर बॉलिंग के 1 विकेट चटका के दिए टीम से, ओवेन जो कि टीम से 4 ओवर बॉलिंग के टीम से ओवेन ने और 3 विकेट ले गए, ट्रेवो जो कि अच्छी बॉलिंग करता था लेकिन लास्ट में महंगा गया था, हालांकि मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था कवर करने के लिए। उसके अलावा तस्सिंगा जो कि 4 ओवर बॉलिंग के 3 विकेट चटकाए, टोनी 3 ओवर बॉलिंग के विकेट 1 लेके गए। अगर बात करते हैं प्लेयर वाइज सैलेंस से, लेकिन टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, फाइन टीम के बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, आप या फिर कमेंट बॉक्स लिंक है उस पर क्लिक कर ज्वाइन कर लेना, लिंक 100% काम करता है, ठीक है जरूर से ज्वाइन कर लेना, से और कमेंट बॉक्स जाओ लिंक पिन कर दिया, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए बोल रहा हूँ।
बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पे आते हैं अपने। देखो उससे पहले गाइस, अगर आपने यहाँ तक तो सपोर्ट बहुत अच्छा किया है, सभी को दिल से धन्यवाद। इस बार ये वाला मैच भी हम लोग कवर करेंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लेते हो, लेकिन एक काम करो, हमारा खुद का फैंटेसी ऐप कुछ ही देर में लॉन्च हो जाएगा, जो कि आईपीएल से पहले पहले लॉन्च होने वाला है। हमारा जो खुद का फैंटेसी ऐप, उसमें 50 ऐसे फीचर्स ऐड किए, 50 से ज़्यादा, जो कि आज तक आपने देखे भी नहीं ना सोचे होंगे, ऐसे फीचर्स मैंने ऐड किए। तो आप लोग, उसका प्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है। प्री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि 2000 लोगों को मैं बोल रखा हूँ कि अपनी साइड से उनके वॉलेट में रियल कैश दूंगा खेलने के लिए, रियल कैश, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोनस दे दूंगा, रियल कैच, जिसे वो 100% यूज़ कर सकते हैं किसी भी कॉन्टेस्ट में, चाहे वो हेड टू हेड में यूज़ करें, या फिर 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स है, या फिर मेगा ग्रैली यूज़ करें, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, हेड टू हेड में भी यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका भी प्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जिसमें 500 लोग कर चुके, अभी भी 1500 एंट्रेस बच चुके हैं, यानी 1500 एंट्रेस अभी भी बच रहे, अभी भी 1500 लोगों के पास मौका है कि आपको रियल कैश पे पाने का। तो आप सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, इस तरह का लिंक रहेगा पैनवर्स, जो कि हमारा खुद का ऐप है, उस लिंक पर क्लिक करोगे, प्री रजिस्ट्रेशन करके लिंक रहेगा, उस पर क्लिक करना। और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जब ऐप लॉन्च होगा तब हम कर लेंगे डाउनलोड और खेल लेंगे, लेकिन भाई उस समय तो खेलोगे, लेकिन उस समय बेनिफिट्स ये नहीं उठा पाओगे अभी के जो फ़ायदा है। अभी 500 से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड कर चुके हैं, और अभी 1500 और करने हैं, और ये 1500 लोग हो जाते तो ऐप लॉन्च हो जाएगा। पहली बात तो खुद का ऐप है, कोई बाहरी आदमी का ऐप नहीं, खुद का अपना ऐप, खुद का फैंटेसी ऐप है। 50 नए फीचर्स ऐड किए, और अभी साइन अप कर लोगे तो आपको रियल कैश मिलेगा। इस पे जाना प्ले स्टोर पे, इस पे क्लिक करना, अपना मनपसंद यूज़र नेम अभी भी आप ले सकते हो, अभी लो, क्योंकि ऐप लॉन्च रहेगा तो उसके बाद मिलता नहीं, आपको पता होगा। तो यूज़र नेम अपना मनपसंद अभी ले लो, मेल आई डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना, और रजिस्टर पे क्लिक करना, सक्सेसफुली आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तीनों चीज़ फिलअप करके जो उसे कर लेना, जिससे और साथ ही साथ अभी ये फ़ायदा उठा लोगे तो अच्छा रहेगा, जब ऐप लॉन्च होगा तब आपको रियल कैश मिलेगा, और जो जो लोग ऐप लॉन्च होने के बाद साइन अप करेंगे उनको नहीं मिलेगा। तो आप जरूर उसे कर लेना, अभी अगर पी से कंप्लीट करोगे ना तो आपको रियल कैश मिलेगा, जब आप ऐप देखोगे तो रियल कैश आपके वॉलेट में मिलेगा। तो जो उसे कर लेना, अपने दोस्तों को भी बोल देना कि खुद का ऐप लॉन्च हो रहा है फैंटेसी में, फैनवर्स। अगर आपको प्रमोशन भी करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बदले फंडिंग मैं दे दूंगा, अपना खुद का ऐप है, मैं ऐसे नहीं पैड प्रमोशन कर रहा हूँ, खुद का है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर देख रहा है तो वो कमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो टाइम पास वगैरह नहीं करते, अपनी वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले बात ये पर चलिए, उससे पहले तो उस वीडियो को जो लाइक करने से, मैं जिसको नहीं कवर करता जो लाइक करना चाहे, सबसे उससे कलेक्ट है, और पहले का फोन पर सेलेक्ट करेगा। देखो सिंपल से बात है, 31 सिक्स आ जाते, एक अच्छा अपडेट है मुरबानी, क्योंकि विकेट कीपिंग, देखो वंदा का रिसेंट फॉर्म जबरदस्त है, कैली 61 सिलेक्शन है बट बहुत नीचे बैटिंग है, और विकेट कीपिंग तो कुछ खास मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ कैप्टनसी कर रहा है तो चाहो तो पिक कर सकते हो, बट कैली उतना मैं प्रेफर नहीं करूँगा, उससे अच्छा मैं किटुंडो के साथ चल जाऊँगा, किटुंडो के साथ, लेकिन इसके साथ मैं नहीं जाना चाहूँगा, कैली के साथ मैं मुरबानी के साथ ही जाना प्रेफर करूँगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। निक वेल्च अगर खेलेंगे तो उसे पिक कर चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवान सलीमन इंपॉर्टेंट है, जोनाथन कैंपेल इंपॉर्टेंट है, मुस्कटर ओपनिंग कर रहा है, अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नीचे देखोगे तो टीम दस से ये भी अच्छा ऑप्शन है, टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी कर रही है, अभी के लिए पिक कर लेंगे, सामने कमजोर टीम हो सकता है स्कोर भी कर दे, देखा जाएगा। अभी के लिए साइड रहते हैं नशे चेटो, हालांकि बॉलिंग तो कुछ ज़्यादा खास नहीं किए थे, बैटिंग भी बहुत नीचे किए थे, लेकिन फिर भी पिक के चार रिसेंट फॉर्म इसका तगड़ा चल रहा है। उसके अलावा मुरंगा की बात करें तो ये बंदा टीम दस है, बॉलिंग तो पहली बात तो किया नहीं था, तीन और बॉलिंग है, टॉनी मुरंगा बॉलिंग तो किया है, एक विकेट मिल गया, तो कवर के चलते बैटिंग भी फिर ना पे आ ही जा रहा है, तो ठीक है ऑप्शन शर्मिल चैंपियन कवर के चलते। बैरिन ब्लू ग्लास सोचे तो मेरा किस्मत सही था कि बंदा ने 65 रन स्कोर कर दिया, बॉलिंग किया नहीं था, वो किस्मत सही था, कैप्टन तो किया था, स्कोर बंदा कर दिया था, अदर वो तगड़ा लॉस हो जाता यार। उसके अलावा वो देखोगे, उसके अलावा वो चुंडो कौन है, मुचुंडो, मुचुंडो की बात करें तो बॉलिंग ओवन मुचुंडो चारों बॉलिंग के 3 विकेट चट गया था लास्ट सोचो यार। एस बॉम बिन के पास है, मुसिकेवा को लोग पिक कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सिलेक्शन ज़्यादा हाई है ना, मुसिकेवा की बात करें तो बंदा टीम तो से ये भी 3 विकेट लगा रहा है, सामने भी आज कमजोर टीम ही है, हालांकि नाविविया थी बट फिर भी मतलब वो लोग इतना टाइट विकेट सब लेके चले गए। दोनों का कवर अच्छे चलते, कुछ ज़्यादा ही मैंने ऑलराउंडर्स कवर कर लिए, हालांकि सब 3-3 विकेट चटका के आ रहे, पता नहीं क्यों और कैसे। उसके अलावा किमोटो का रिसेंट फॉर्म तो तगड़ा चल रहा है भाई, किमोटो का तो चाहो तो पिक कर, सब मना नहीं है, किमोटो का रिसेंट फॉर्म तगड़ा है, लेकिन लास्ट में सिर्फ 2 ओवर बॉलिंग मिला था, सामने उतनी भी कमजोर टीम ही, हालांकि अगर रियान बोल वगैरह सीन विलियन से सिकंदर राजा ये 3 नाम लोग होते ना, या फिर और एक और नाम कैरी गिर भाई ने, अगर ये 4 नाम होते ना तो फाड़ के रख देते, मतलब ताजिया के बोलर्स को भाई, मतलब शुक्र बनाओ कि ये 4 बड़े नाम्स नहीं है, अगर 3 भी रहते ना, खाली रियान बोल भी रहता तो मार लेता अकेले। चलो सब चाहिए, ये जिम्बाब्वे एक ऐसी टीम जिसके जो एक्सपीरियंस भी और टैलेंटेड प्लेयर्स भी ज़्यादा ही है, एक्सपीरियंस चाहिए तो सीन विलियन के साइड चले जाओ, आपको ज़्यादा यंगेस्ट चाहिए तो रियान बोल के साथ चले जाओ, मतलब क्या ही बोलूँ। टी कुमांडो की बात करें तो अच्छी बॉलिंग किया था लास्ट में, लेकिन थोड़ा सा अनलक्की किया था, लेकिन बॉलिंग अच्छी किया था बंदे ने, है ना, लास्ट में सिलेक्शन भी ज़्यादा था, 2 ओवर बॉलिंग किया था टीम दस गुवांडो ने, हल्का महंगा गया था भाई, सामने जब ना भी थे तब महंगा गया था ना,
चेट्रा काफ़ी अच्छी बॉलिंग करता है, पावर प्ले बॉलिंग करता है, फर्स्ट पावर प्ले में चेट्रा है ना, फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग करता है, तीनों बॉलिंग एक विकेट छिटका गया। तो चाहो तो इन सबको कवर करके चल सकते हो, लेकिन मैं फिर ऊपर से देख लो एक लोग इनको कवर करें, लेकिन ये सब फालतू पिक्स है। अभी ग्वांडो को भी कवर चलते हैं, क्या पता है विकेट लेके जाए, 35% सिलेक्शन है, कवर करके चलते हैं। कि मोटो मैंने कवर नहीं करूँगा, हालांकि बॉलिंग अच्छा करता है, किस्मत खराब होगा तो ही इनको विकेट मिल जाएगा। नीचे देखोगे तो डब्लू मुझे जो भी टीम में से लास्ट में जो है डब्लू न्यू से स्टार्ट करता है, लेकिन विकेट ले जाता है, लेकिन अच्छा ऑप्शन है, स्पिनर है, कवर करके चलते हैं। चाहो तो चेट्रा को पिक कर सकते हैं इंडिया पे, ठीक है, ग्वांडो जब पिक कर सकते हो, बट मैं ग्वांडो से ज़्यादा प्रेफर थोड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि सब मतलब ये देखो इसको इसलिए क्या हो कि स्टार्टिंग विकेट गिरेगा तो ये विकेट लेके देगा। सिलेक्शन बहुत कम है इसका, लेकिन अच्छा है, टीम जैसे फर्स्ट पावर प्ले में निवो से स्टार्ट करता है, चारों बॉलिंग कर रहे पावर प्ले में, तो एक अच्छा ऑप्शन है। टीम ओवरऑल मुझे बन गई, और एक बस एक टीम की कम एक चैटरा और ये इसकी बस कमी है कि मोटो को नहीं, हम लोग ज़्यादा ज़्यादा 11 प्लेयर्स तो कवर कर सकते हैं। कैप्टन से तो बात करें, हो सकता है जिम्बाब्वे का कोई एक बन लेके काफ़ी अच्छा कोई बैटर चल भी सकता है। अगर मैं बात करूँ कैप्टन शिफ्टिंग की, तो पहली बात तो बैरी ने बॉलिंग नहीं किया, पहली बात तो अगर मैं टॉनी के साथ अगर कैप्टन जाऊँ तो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फिर बैटिंग भी कर रहा है और साथ ही साथ बॉलिंग भी 3 ओवर किया है, तो टॉनी मेरे हिसाब से काफ़ी सही ऑप्शन कैप्टनसी के लिए। लास्ट में लेकिन बैटिंग चला तो मेरा लक सही था, इसलिए चल गया था बंदा, लेकिन यहाँ पे देखा तो टॉनी एक अच्छा ऑप्शन सीधी से। लोग सलमी जम्बो को करें, लेकिन बंदा टीम से बैटिंग तो आई थिंक 4 नंबर पे करने आ रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, कवर करके चल, बट सामने स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, आज सामने स्ट्रॉन्ग टीम है, हो सकता है हालांकि रिसेंट फॉर्म इसका अच्छा चल रहा है, मैं मानता हूँ। एज ए कैप्टन मैं भी टीम में टॉनी के साथ जाना प्रेफर करूंगा, जो कि अच्छा ऑप्शन है एज ए कैप्टन, जो कि फिर बैटिंग भी करेगा, वाइस कैप्टन बैरिंग के साथ जाऊंगा, लेकिन बैरिंग अगर बॉलिंग ना कर तो दिक्कत कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैरिंग जनरली बॉलिंग करता है और कैप्टन से भी करता था, लेकिन अभी नहीं कर रहा तो मैं क्या ही बोलूँ। मैं जम्बो के साथ जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंशियल ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये सही है, थोड़ा सा आपको रिस्की लगे, बट बैटिंग बॉलिंग तो दो नहीं करें ना, फिर नंबर पर नीचे बैटिंग तो नहीं है। रैली के तो अपना 31 मुनिमानी को, जोनाथन कैंपबेल को, इन सबको सीवी से ट्राई कीजिएगा, इनको कोई नहीं पिकर हो सकता है, स्टार्टिंग विकेट लेके दे फर्स्ट पावर प्ले में 2-3। टोनी अच्छा बॉलिंग कर लेता है, कब पे टीम क्रिएट कर लिया यार, सेम टीम वनडर्स बुक कर दो, सेम टीम इन्वेस्टमेंट करने जा सकते हो, ठीक है, सेम टीम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जाके कॉन्टेस्ट को बुक कर दो। इन्वेस्टमेंट नॉर्मली करना, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपका सीवीसी डिफरेंट लग रहा होगा, अगर टीम पहले बैटिंग तो बैटिंग को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर टीम चेज करे तो टॉनी वगैरह अच्छा ऑप्शन है सीवीसी लिए। जोनाथन कैंपबेल भी सही है, मोइवानी भी सही है, मैं सीवीसी का डिसाइड करके टीम बता दूंगा, वाइस कैप्टन तक ही इनफ है, कैप्टन करने के जम्बो को कोई जरूरी नहीं है। हाँ एक मैं एक प्लेयर बोल गया, संजय कुमार ठाकुर ना, ये बंदा हाँ 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 संजय कुमार ठाकुर यार, संजय कुमार, अरे बंदा अवेलेबल है संजय कुमार ठाकुर, वरना बैटिंग करने ट्रेन में ऐड नहीं किया क्या, रुको रुको, संजय कुमार, संजय कुमार देखो बंदा अभी ऐड यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, अगर संजय कुमार ठाकुर आपको दिखे तो डेफिनेटली कवर कर लेना, वरना बैटिंग करे चारों बॉलिंग, वही रिसेंटली मैचेस में हमने कवर कर रखे थे भाई, बट ड्रीम इलेवन मुझे कहीं भी दिखा नहीं रहा संजय कुमार ठाकुर को, जबरदस्त बैटिंग थी तब से संजय कुमार ठाकुर को, जो उसे कवर के चल रहा, वरना बैटिंग कर रहा था बंदा और बॉलिंग भी कर रहा था, सबसे बड़ी बात। सेम टीम वनडर्स बुक का तो सेम टीम है सर, इन्वेस्टमेंट नॉर्मल ही करना, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली रैंक लेस होता है, मैं रैंक लेस का सोल्यूशन निकालूंगा, डॉट फ्री कुछ ही दिन अपना ऐप लॉन्च हो गया तो वहाँ पर करेंगे। चलो मेरे टी एम पे सेम टीम वनडर्स बुक का, तो कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, टी एम से ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है।